हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 की इंट्रोडक्शन, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अगर जानना हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करती है कि अगर प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये थ्योरम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम बन जानी चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, ये हमें समझना है। और जो हमें दिख रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, और बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ट्रस्ट मी, प्रोबेबिलिटी सारी ही बहुत अच्छी है, और उसके ऊपर भी अगर हम इसको इन डिटेल्स में पढ़ें जो हम अपने प्लस टू स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ जाता है। लेट्स सी, ये हमारे पास बेसिक मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का। इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स of a random experiment with probability of E greater than 0 and probability of F greater than 0. हमें पता है कि जो probability 0 होती है वो null events की होती है, लेकिन जब हम multiplication theorem on probability करते हैं तो there is no place for null events, क्योंकि वो किसी के साथ भी multiply करेंगे तो वो सारे के सारे event को 0 कर देंगे। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो फिर फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये ध्यान से देखिएगा, अभी हम प्रूव करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई, और इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। मान के चलते हैं कि आपको पता नहीं चला है कि ये क्या हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी हम डेरिवेशन करते हैं। बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, इसका मीनिंग क्या है कि इवेंट एफ हो चुका है और इवेंट ई अभी नहीं हुआ है या जो क्वायर टू फाइंड है, तो ये होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही मीनिंग है इसका। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये अगर एफ इधर चला जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ या ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई, ये क्या है। बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इट इम्प्लाइज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। इसको इक्वेशन टू नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास क्या आएगा, आप ये देखिए इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन है, वन एंड द सेम थिंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखूं या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखूं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई। यही तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑन मल्टीप्लिकेशन बोलती है। देखिए एग्जैक्टली मैंने यही लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ अपॉन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ अपॉन ई। सो हैंस द थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी इज प्रूव्ड। ये तो एक बात है और छोटी सी बात है, इससे हमें पता क्या चला है, कुछ भी तो नहीं पता चला अभी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इंटरसेक्शन आई है या जो हमारे पास आगे चीज़ें आई हैं,
अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं और उन्हें समझते हैं अच्छे से। अब हम इन चीज़ों को समझने के लिए 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं। हमने 11th में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया था एंड और का, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेल्फ मेड एग्जाम्पल है। देर इज़ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स हैं। 4 कार्ड्स हैव टू बी ड्रॉन, 4 कार्ड्स को ड्रॉ करना है और कंडीशन क्या है, अब ऑल 4 हैव टू बी ऑफ डिफरेंट सूट्स। तो कितने सूट होते हैं, 4 सूट्स होते हैं। हर सूट में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। मुझे हर सूट में से एक कार्ड लेके आना है। तो अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम एंड की है या और की है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से बिल्ड होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। एक कार्ड यहां से चुना डिफरेंट सूट का एंड, एक कार्ड यहां से चुना डिफरेंट सूट का एंड, एक कार्ड यहां से चुना डिफरेंट सूट का एंड, एक कार्ड यहां से चुना डिफरेंट सूट का। देखिए इसका मतलब क्या है कि एक कार्ड मैंने यहां से निकाल लिया एंड, एक कार्ड यहां से निकाला एंड, एक कार्ड यहां से निकाला एंड, एक कार्ड यहां से निकाला। तो हम अभी तक समझ के आए हैं कि मुझे 4 कार्ड इकट्ठे करने हैं, हर कार्ड एक डिफरेंट सूट का होना चाहिए। तो डिफरेंट सूट का मतलब दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। और 11th में हमने ये पढ़ा था कि एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं इसकी निटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा प्लेन ही रखूँगा। अब मेरे पास एक और कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या है, या क्वेश्चन कह लीजिए एक और है, कि मुझे 4 कार्ड्स निकालने हैं और किसी सूट के भी वो 4 कार्ड हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले सूट में से मैं 4 कार्ड निकाल सकता हूँ और दूसरे सूट में से भी मैं 4 कार्ड्स निकाल सकता हूँ और तीसरे सूट में से भी मैं 4 कार्ड्स निकाल सकता हूँ और चौथे सूट में से भी मैं 4 कार्ड्स निकाल सकता हूँ। 4 कार्ड यहाँ पे हो गए, यानी एक सूट की प्रोबेबिलिटी आ गई, या फिर इसकी या फिर इसकी। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज़ क्या आ जाएंगी अगर मैं चारों को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे 4 कार्ड्स इकट्ठे करने थे, तो अलग अलग सूट में से मैंने एक एक कार्ड निकाला, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ से इसमें से भी 4 निकल सकते थे, इसमें से भी निकल सकते थे, इसमें से भी निकल सकते थे, इसमें से भी निकल सकते थे। सो डजंट रियली मैटर। सो अब आपने समझा होगा कि एंड एंड और का क्या मतलब है। यहीं से ही, इस एंड एंड और के कॉन्सेप्ट से ही अब एक और कहानी निकल के आती है, वो होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स की, जिसकी बात हम ऑफकोर्स थोड़ी देर बाद में करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको नोट्स देना चाहूँगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जिन्हें हमें सीखना चाहिए, और वो टर्म्स होती हैं सक्सेसिवली एंड साइमल्टेनियसली। अब बात करते हैं सक्सेसिवली और साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है। सबसे पहले सक्सेसिवली की बात करते हैं। सक्सेसिवली का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर का मतलब होता है, अदर के दो मीनिंग निकल सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विद रिप्लेसमेंट लिखा होता है, यानी ये वाला केस, तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यूज करते हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, मैं आपको ब्रीफ में उसका मीनिंग बताता हूँ, एक्सप्लेन इसको थोड़ा बाद में करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी या एक इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर्स इवेंट हैपनिंग। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हमें थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि जब रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, when replacement is not done, और उसका क्या मतलब है कि the first event will definitely have an impact on the other event's occurrence. That is why multiplication theorem of probability is used. जैसा कि मैं आपको example दूँ कि हमने दो aces draw करने हैं successively without replacement. तो सक्सेसिवली लिखा गया है अब विदाउट रिप्लेसमेंट, और एसिस ड्रॉ करने हैं हमने दो, तो टोटल नंबर ऑफ एसिस कितने होते हैं, 4। उसमें से अगर एक एस ड्रॉ कर लेंगे हम तो 4C1 अपॉन 52C1, ये पहला एस ड्रॉ हो गया। विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब एक एस निकाल लिया तो दूसरा डाला नहीं है अंदर,
तो अब डेक ऑफ टोटल कार्ड्स कितना हो गया? 51, उसमें से भी एक और एस निकालना है। तो अब एसीज कितने रह गए? टोटल थ्री, थ्री एसीज में से एक निकालना है। तो अब आप ये देखिए कि पहला एस जब हमने निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी ने इम्पैक्ट किया कि नहीं किया सेकंड एस की प्रोबेबिलिटी को? यस, डेफिनेटली किया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट इवेंट। और अगर हमें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले आते हैं, जस्ट इन केस आपके दिमाग से स्किप हो गया है तो मैं बता दूं कि n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4c1 क्या होगा? 4c1 हमारे पास 4 ही होगा, 52c1, ये सारे शॉर्टकट्स हम 11th में सीख के आए हैं, 3 अपॉन 51। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी कम टू द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? टुगेदर और एट द सेम टाइम। बस एक बात आपको याद रखनी है कि व्हेन विद रिप्लेसमेंट का केस है तब वी विल यूज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। विद रिप्लेसमेंट के साथ, विद रिप्लेसमेंट के साथ मतलब एक कोई भी जैसे कार्ड्स ही हैं तो एक कार्ड निकाला, देखा और फिर डाल दिया, तो विद रिप्लेसमेंट। सो विद रिप्लेसमेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स को यूज करेंगे हम। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जैसे एक बैग में 3 ब्लू बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब निकाला, देखी और फिर डाल दी, ये मतलब होता है रिप्लेसमेंट का। अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स का मीनिंग कर लेते हैं कि होता क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स का मीनिंग। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मान लीजिए ई और एफ दो इवेंट्स हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ द अदर इवेंट। एक बात आपने याद रखनी है कि ई और एफ अगर दो इवेंट्स हैं एंड इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इफ टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो। अगर पी और ई इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंट होंगे। इफ ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट्स देन क्या होगा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल नॉट बी इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा वो हम आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम दो चीजों का डिफरेंस समझ लेते हैं। चलिए अब करते हैं डिफरेंस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या फर्क होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होते हैं ये हम 11th में भी पढ़ के हैं और अर्लियर वीडियोज में भी किया है। जब दो इवेंट्स ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाई, यानी दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी एक दोबारा से। टू बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स विद रिप्लेसमेंट। अगर इसकी एग्जाम्पल देखी जाए तो ये है, इवेंट ए अगर होगा और हमें दो बॉल्स ड्रॉ करनी है, जैसा मैंने आपको बोला कि टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, तो बोथ बॉल्स आर ब्लैक। उसके बाद इवेंट बी होगा, बोथ बॉल्स आर वाइट। फिर इवेंट सी कर लेते हैं एक, फर्स्ट इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। और एक इवेंट डी कर लेते हैं कि फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज वाइट। ये हमारे पास चार इवेंट्स हो गए हैं जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताते हैं। अब देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर ब्लैक ब्लैक इंटरसेक्शन वाइट वाइट की हम बात करें
तो क्या ये फाई के इक्वल नहीं आ जाएगा? दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं. सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. वेयर एज अगर मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करूं, ध्यान से देखिएगा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी ढूंढनी है तो क्या आएगा? या प्रोबेबिलिटी 5c1 अपॉन 15c1. एक बॉल मैंने किस में से ढूंढ ली? वाइट में से ढूंढ ली. इनटू 10c1 अपॉन 15c1. दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ये मतलब है इस सारे का. ये जितनी भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली और पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.